दोस्तों IPL साल 2020 का सीजन अब शुरू हो चुका है, जो कि 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच होने वाला है और लगातार फैंस काफ़ी एक्साइटेड है अपनी फेवरेट प्लेयर और फेवरेट टीम को मैदान पर उतरता अच्छा परफॉर्म करता देखने के लिए। इसके अलावा दोस्तों, कौन सी है आपकी फेवरेट टीम, किस टीम को आप कर रहे हैं सपोर्ट, नीचे ज़रूर कमेंट करके बताएं। इसके अलावा आज है IPL 2020 का 5वां दिन और 5वां मैच, जहां हम बात करने वाले हैं आज के मैच जो कि MI और KKR के बीच होने वाला है। कौन सी है दोस्तों आपकी फेवरेट टीम, जहां आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोनों ही टीमों के कंपैरिजन के बारे में। साथ ही साथ बात करेंगे प्लेइंग 11 के बारे में, क्या इनकी फाइनल प्लेइंग 11 है, इसके अलावा क्या इन दोनों ही टीमों का गेम प्लान रहने वाला है आबू धाबी के मैदान पर, साथ ही साथ क्या स्ट्रेटजी लेकर ये दोनों ही टीमें उतरने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, अगर इनकी प्लान और स्ट्रेटजी फेल होती है तो क्या बैकअप प्लान इन दोनों ही टीमों के पास है। तो वीडियो हमेशा की तरह काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में आपको मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपकी फेवरेट टीम जीते IPL 2020 का टाइटल, तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा IPL की लेटेस्ट न्यूज़ के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बहुत ही बेहतरीन ऐप फैंटेसी पावर 11 के बारे में बताना चाहूँगा, जहाँ आज के मैच के लिए उन्होंने रखा है iPhone 11 Pro का गिव अवे, और इसके लिए आप कोई भी कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ दोस्तों कॉन्टेस्ट की फीस काफ़ी ज़्यादा कम है। साथ ही साथ दोस्तों, आप जब ऐप डाउनलोड करते हो तो जो आपको बोनस मिलता है आप किसी भी कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करने में उस फीस को 100% यूज़ कर सकते हो। इस ऐप में आपको UPI और PayTM का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर आपकी विनिंग की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में इस ऐप का लिंक दिया हुआ है, जल्दी से जाकर डाउनलोड कीजिए फैंटेसी पावर 11। दोस्तों, IPL साल 2020 का सीजन अब फाइनली शुरू हो चुका है, जहाँ पर आज आपको बहुत ही बेहतरीन मैच देखने को मिलेगा शाम 7:30 बजे लाइव आबू धाबी के मैदान से। कोलकाता नाइट राइडर्स का पहला मैच है, साथ ही साथ मुंबई इंडियंस का दूसरा मैच है। कोलकाता नाइट राइडर्स चाहेगी कि अपनी जर्नी की शुरुआत जीत के साथ करे, वहीं मुंबई इंडियंस चाहेगी कि पहला मैच जो वो हार गए उसको भूलकर वापस जीत के साथ शुरुआत करे, जहां पर पहला मैच मुंबई इंडियंस चेन्नई के साथ हारी थी। इसके अलावा दोस्तों, मुंबई इंडियंस की अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो केवल दो ही चेंज यहाँ नज़र आने वाले हैं, जहाँ पहले की ही टीम पूरी सेम रहने वाली है। पहला चेंज होने वाला है दोस्तों पैटिनसन को लेकर, जहाँ उनकी जगह नेथन कुल्टर-नाइल प्लेइंग 11 में शामिल होंगे, ताकि नेथन कुल्टर-नाइल अच्छी बॉलिंग भी कर सके, नीचे अच्छा फायर जनरेट भी कर सके। दूसरा चेंज यहाँ पर दोस्तों सौरभ तिवारी को लेकर आता है, हालांकि मैच में वो अच्छा खेले थे पर उनकी जगह रिप्लेस होने वाले हैं ईशान किशन। दोस्तों, पिछले मैच में वो चोटिल थे इसलिए सौरभ तिवारी को मौका दिया गया था। इन दो चेंजेस के अलावा कोई और चेंजेस सामने निकल कर नहीं आ रहा है मुंबई इंडियंस की तरफ से। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की, जहाँ आज वो अपना पहला मैच खेलने वाले हैं और वो ज़रूर चाहेंगे जो करिश्मा उन्होंने 2014 में कर दिखाया था, वही करिश्मा वो 2020 के अंदर भी दोबारा दोहराएं, और आज उसका आगाज वो जीत के साथ जरूर करना चाहेंगे। जहां उनकी प्लेइंग 11 की बात करें तो ओपन करने वाले हैं शुभमन गिल के साथ सुनील नारायण। दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन दोनों की जोड़ी होने वाली है, चाहे कैसा भी बॉलिंग अटैक हो, चाहे बॉलिंग हो CSK की, MI की या SRH की, ये सभी को बिगाड़ सकते हैं। ना सिर्फ पावर प्ले में, उसके बाद भी दोस्तों काफी अच्छी ये दोनों बैटिंग कर सकते हैं। इसके बाद जो मिडिल ऑर्डर आने वाला है दोस्तों, यहां सबसे बड़ी बात दिखाई है यहां पर ब्रेंडन मैकुलम ने, जहां बैटिंग ऑर्डर पूरी तरह से चेंज कर दिया है। तीसरे नंबर पर आने वाले हैं इंग्लैंड के कप्तान आयन मॉर्गन, चौथे नंबर पर आंद्रे रसल, पांचवें नंबर पर नीतीश राणा और छठे नंबर पर कप्तान दिनेश कार्तिक। इसके बाद सातवें नंबर पर आएंगे दोस्तों राहुल त्रिपाठी। एक बहुत ही मजबूत मिडिल ऑर्डर यहां पे बना है, जहां दोस्तों आपको बता दें सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होने वाले हैं बल्लेबाज, पर दोस्तों यही रहने वाला है इनके प्लेइंग ऑर्डर के अंदर, मिडिल ऑर्डर और इनका जो है ऑर्डर खेलने का। साथ ही में बात करें आठवें नंबर पर आने वाले हैं पैट कमिंस, नौवें नंबर पर आने वाले हैं कमलेश नागरकोटी, दसवें नंबर पर कुलदीप यादव और ग्यारहवें नंबर पर आएंगे प्रसिद्ध कृष्णा। दोस्तों, लोअर ऑर्डर भी इनका काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, जहां अगर बात करें ऑलराउंडर्स की बैटिंग की या बॉलिंग की तो काफ़ी पावरफुल इनकी टीम है। जहां बॉलिंग के अंदर बात करें तो पेस अटैक कमलेश नागरकोटी, पैट कमिंस और प्रसिद्ध कृष्णा और आंद्रे रसल संभाल लेंगे। वहीं पर स्पिन अटैक में दोस्तों नीतीश राणा है, सुनील नारायण है, कुलदीप यादव है, बहुत ही बेहतरीन इनकी स्पिन अटैक भी होने वाली है, और बल्लेबाजी तो दोस्तों पूरे 10 नंबर तक इनके पास अच्छी बल्लेबाजी है। तो KKR की टीम यहाँ पूरी तरह से मुंबई इंडियंस के ऊपर भारी पड़ने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो थी KKR और MI की प्लेइंग 11 को लेकर। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आप नीचे ज़रूर कमेंट करें कौन सी टीम जीतने वाली है आज का मैच।